कैसे हैं दोस्तों। और आज मैं पहुंचा हूं काफ़ी दिनों बाद, जो कि पहाड़ पे आना नहीं हो पा रहा था मेरा। और थोड़ा सा टीरी डैम से पहले झील है, और जो कि झील वालों का होटल है, और मेरे पीछे ये होटल है जो कि ये डैम के मतलब झील के पास ही बना हुआ है। और झील अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा। ये देखिए, पानी के बीचों बीच होटल बना हुआ है और नाव चल रही है लोग, और डोबरा पुल के नाम से मशहूर है। और काफ़ी सुंदर झील बनी हुई है। ये देखिए, लोग वहाँ से नाव में बैठ के जाते हैं, और नीचे चल के आप लोगों को दिखाएंगे अभी। और वो शायद बड़ी नाव, वो काफ़ी साफ पानी है, ये तो 12 महीने साफ ही रहता है यहाँ का पानी। और ये देखिए, बीच में जो पहाड़ है एकदम आइलैंड की तरह चमक रहा है। वो एक छोटी सी नाव। और देखिए, जंगल में आग लग गई, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जंगलों में आग लगती रहती है। ये देखिए धुआं, और देखिए हरियाली कम हो चुकी है। इधर की तरफ है हरियाली वगैरह, जहाँ जहाँ धूप कम पड़ती है उधर देखिए धूप ज़्यादा ही। अभी भी मैं इधर खड़ा हूँ तो इधर धूप नहीं है, बाकी सामने धूप एकदम चमक रही है। ये फास्ट चलने वाली नाव है, और वो देखिए नाव कहाँ से कहाँ आ चुकी है। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेड़, और ये पेड़ पे अजीबोगरीब पता नहीं फल है या क्या है ये लगा हुआ है, और इसका जो नीचे गिरा हुआ वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गिरा हुआ। थोड़ा होटल की तरफ आगे बढ़ते हुए ये सीढ़ियाँ बनी हुई कहाँ जाती हैं, शायद या तो ऊपर सड़क की तरफ जाती होंगी। टीरी झील, ये फ्रंट गेट। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए ये ऊपर, और ये होटल लकड़ी का ही बना हुआ है। काफी अच्छा मौसम लग रहा है, और पहाड़ियाँ एकदम सीढ़ीदार बनी हुई हैं कुदरती। भेड़ ही भेड़, बकरी ही बकरी है यहाँ पे, ये पहाड़ी बकरी। दोस्तों हम उससे इस साइड आ गए हैं, और ये देखिए ये होटल है जो कि उस साइड था, मैंने वीडियो दिखाया था। और ये इस साइड आए हैं पुल की तरफ, डोबरा पुल। कितना सुंदर नज़ारा है। तो हम झील के नीचे आ चुके हैं, और क्या बताऊं मैं आपको, इतना अच्छा लग रहा है कि ये देखिए, ये सड़क है जो कि सीधा ये
नीचे एंड वहाँ पे बोटिंग के लिए लोग जाते हैं। और वो देखिए जो होटल मैंने अभी दिखाया था आपको, ये होटल है और उसी रास्ते से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे जो कि, और उधर भी आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, लोग बोटिंग के लिए जाने को रेडी हैं एकदम। लग रहा है ये बड़ी बोट है, ये काफ़ी लोगों को बैठा के तब ले जाएंगे यहाँ से। और वो मेरे जो देख रहे हैं पीछे, वो जी क्या नाम है, पानी के ऊपर ये इन्होंने होटल बना रखा है और लोग उसमें जाते हैं यहाँ से बोटिंग द्वारा, और वहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं। चलिए नीचे से आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये नाव जाती हुई, एक दो तीन, पर ये छोटी सी नाव जो कि दो लोगों के लिए होता है। और उधर से वो नाव आगे बढ़ते हुए, आजकल पानी नीचे को जा रहा है, वाटर लेवल घट रहा है यहाँ का, ये तो काफी अच्छा था। और नाव देखिए सुजुकी कंपनी का है, और वो नाव आगे बढ़ते हुए, ये बड़ी सुंदर नाव, अच्छी लग रही है। ये जो देख रहे हैं लकड़ी है जो कि उसमें पानी में है, ऊपर से गाड़ी से हम आ रहे थे जब, देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो पानी में। वो नाव आगे बढ़ गई, ये दो तीन लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, फैमिली एक छोटी सी, सुजुकी कंपनी का है। दोस्तों आइए और यहाँ पे एंजॉय करिए। और यहाँ पे मैंने अभी, इसमें मछलियाँ बहुत है, झील में बहुत मछलियाँ हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हुई होती है, 5-5-6 किलो की निकल जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे आइए, पूरा मज़ा लीजिए और गंदगी कम फैलाइए, मेरी यही कामना है। दोस्तों की जैसे कि देखा, ये टीरी झील थी और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा एंजॉय करते हैं। और ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ऐसा जैसे कि डब्बे टाइप के हैं, यहीं को ज्वाइंट कर करके इन्होंने क्या नाम है, पूरा वहाँ पर पानी पे बोट वगैरह इसी पे रखी जाती है। और ऐसा लग रहा है इस पे खड़े होके कि जैसे कि मैं बोट पे बैठा हूँ, नाव नाव पे बैठने की फीलिंग आ रही है। और दोस्तों आजकल पानी बहुत कम है, पानी वाटर लेवल बहुत घटता जा रहा है, पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों की, इंसानों की गलती की है ये, तो प्लीज़ दोस्तों हर जगह थोड़ा ध्यान रखा करिए, सफाई का, हर चीज़ का। और ऐसे ही वीडियो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।